सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। कुलदीप धालीवाल ने SYL के मुद्दे से विरोधी पार्टियों को घेरिया। मुख्यमंत्री के सदे से सब पार्टियों पानिया के मुद्दे से एकजुट होने की की अपील। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर च किया जनसंवाद। लक्कड़ की खरीद से मार्केट फीस 2% तो घटा के 1% की। गुरु नानक देव हस्पताल अमृतसर च नवजमया बच्चा होया चोरी। वाल्मीकि भाईचारे ने की निंदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के प्लाईवुड कारखानों के मालकों की लंबे समय तो चल रही मांग को पूरा करते हुए लकड़ की खरीद से मार्केट फीस 2% तो घटा के 1% कर दी है। इस नाल प्लाईवुड फैक्ट्रिया के मालकों को हर साल 8 करोड़ रुपए तो वध का मुनाफा होगा। कोरोना के दौर तो बाद बोर्ड व्यापारियों वालों कारोबार च मंदी की शिकायत की जा रही थी, जिसनों गंभीरता लेंदे हुए मुख्यमंत्री ने राहत देने लिए तोहफा दिता। मुख्यमंत्री यमुनानगर के दुशहरा मैदान च आयोजित जनसंवाद प्रोग्राम दौरान लोगों को संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि जनसंवाद प्रोग्राम तहत लोगों च जाके लोगों की समस्यावां सुनते हैं तो उन्होंने हल भी करते हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में अजिहियां पुरानियां कलोनियां का सर्वेखन किया जाएगा जिन्हां विचों कुछ इलाका कानूनी हो गया से कुछ रकबा नजायज रह गया से अजिहियां कलोनियां नूं 4 से 5 महीने में सूचियां बन गई हैं, सबसे अप्लाई करा लिया है, सबका सर्वे चल रहा है। आने वाली 31 जनवरी 2024 तक जितनी कॉलोनीज अनअप्रूव्ड हैं हमारी कोशिश रहेगी। बहुत ही कोई कठिनाई अगर आएगी तो अलग बात है, वरना सब कॉलोनी को अप्रूव करेंगे और उस कॉलोनियों में जो विकास के काम है उनके सबके कराने शुरू कर देंगे। आप चाहे लिख के उसमें दो चाहे ना लिख के दो, एक एक का सर्वे करा करके हर एक की गली है, नाली है, वहाँ बिजली का काम है, वो सब इसमें करना शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें आपके जिम्मे होंगी, वो आपको बताएंगे। ये कुल 15 सड़कें हैं जो विधायक जी ने हमको दी थी, इसकी 25 करोड़ रुपए की लागत जिससे ये मुरम्मत होनी थी, जिसको ठीक कराना था, उसमें 8 सड़कों पर तो काम शुरू हो गया है, 7 सड़कें टेंडर हो गया, बहुत जल्दी 10-15 दिन में वो काम शुरू हो जाएगा। जो काम शुरू हो गया है, बाडी माजरा से ताजकपुर, कैथ कलानौर से औंदरी, कैथ कलानौर से लापरा, ESI अस्पताल से तेजली कलानौर मार्ग, सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड से शादीपुर जयपुर पुल तक, सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड से शहरी क्षेत्र यमुनानगर में सुदृढ़ीकरण, फिर कैल कलानौर मार्ग से गुरुद्वारा और माल टाउन से जो संपर्क मार्ग है जगाधरी, ये सड़कें इस समय काम चालू हो गया है। लेकिन 7 सड़कें जिनका टेंडर हो गया है, काम शुरू नहीं हुआ, आपको पता लग जाए कि काम जल्दी शुरू होने वाला है। इजराइल च हमास के हमले च नेपाल के 10 विद्यार्थियों की मौत हो गई। इजराइल स्थित नेपाल दूतघर के अधिकारियों ने जानकारी दी है। नेपाल के कई विद्यार्थी इजराइल च फसे हुए ने। हमास के हमले तो बाद इजराइल ने सारे लोगों को सुरक्षित थावां ते पहुंचने का हुक्म दिता है। दस दिए कि हमास ने इजराइल से अचानक हमला किया। जानकारी मुताबिक 2 दिनों च हुण तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, जदों की 2000 तो वध जख्मी दसे जा रहे हैं। इस तो पहला नेपाल के विदेश मंत्री NP साउद ने कहा है कि अतवादी समूह हमास के हमले च इजराइल पढ़ रहे 4 नेपाली विद्यार्थी जख्मी हुए ने, जदों की 11 लापता ने। मंत्री ने यह भी कहा कि इजराइल के दक्षिणी हिस्से पढ़ रहे लापता विद्यार्थियों में जानी नुकसान होने की संभावना है। इस पिछले 50 साल देश का सब तो भयानक हमला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओपन चैलेंज से कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल का बयान सामने आया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 नवंबर न सारिया पार्टियां आन ते मुख्यमंत्री दे गल दा जवाब देन। उन्हें कहा कि 3,50,000 करोड़ का कर्जा पंजाब दे सिर चढ़िया। धालीवाल ने कहा कि मैं सोचता कि उन्हें सारिया पार्टियों ने इकट्ठे होना चाहिए, पर वह विधानसभा ची भज जाते सन। धालीवाल ने भी कहा कि सुनील जाखड़ ने भी ट्वीट किया कि मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री सन, हरियाणा च खट्टर मुख्यमंत्री सन, तो पंजाब च बादल मुख्यमंत्री ने। उस समय मुद्दा क्यों नहीं हल
किया गया सी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ते साडी कैबिनेट साफ कर चुकी है कि साडे कोल एक बूंद हरियाणा नूं देण लई पानी नहीं है। साडे कोल जे है ही नहीं पानी देना कित्थों, मुद्दा तो तां होवे कि जे साडे कोल वाधू पानी है वह मंगदे आ तुसीं देंदे नहीं, सा साडे कोल है ही नहीं। तुहानूं तुहानूं मैं कल भी बोलिया सीगा कि 70% पानी ऑलरेडी पहला जा रहा बाहर। पंजाब की खेती जी 99% पानी से निर्भर है, असं सिर्फ 28% नहरी पानी यूज कर रहे हैं, बाकी सारा ही ट्यूबलों तो ला रहे हैं। तो जे साडे को पानी हो असी नहरी पानी ना खेती ना करिए। इस करके सर साडा क्लीयर है, सरदार भगवंत सिंह मान जी एक तुबका पानी बाहर नहीं जान देंगे जी, भावें जो मर्जी हो जाए। इन्हों को कोई मुद्दा नहीं, ये एवं अपनी नहीं गल दसते, और सर अपनी तो दसो, इन्हों पुछो प्रकाश सिंह बादल ने जो नोटिफिकेशन किया सर वह क्यों नहीं दसते, इन्हों पुछते क्यों नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चांदी दी कहीं लैके गया इंदिरा गांधी ली, समझ आ कि नहीं गल। इन्हों पुछो कि बरनाला साहब की जो सरकार थी अकाली दल की सरकार थी उदो नहर कितने कंप्लीट कराई। सो इस करके साडा स्पष्ट क्लीयर स्टैंड है कि पंजाब का एक तुबका पानी बाहर नहीं जा। हरियाणा की हद नाल लगते पिंड कानेवाला गरोड़ी गऊशाला के गेट अग्गे शराब का ठेका चुकाउण की मांग की जा रही है। पिंड कानेवाला के सरपंच महेंद्र कुमार रोड़ी के सरपंच दर्शन सिंह ते साबका सरपंच केवल कृष्ण ते साबका सरपंच बलविंदर सिंह गऊशाला रोड़ी के सेवादार केवल सिंह पंच ने पंजाब ते हरियाणा सरकार तो मांग की कि रोड़ी विखे बनी गऊशाला अंदर मंदिर स्थापित होने ते एक धार्मिक स्थान है, जिसके इलाके के सैकड़ा पिंडां दे लोग रोजाना नतमस्तक होंदे ने, जिदे सामने नजदीक शराब का ठेका होने कारण उन्हां दी धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचती है। संबंधी उन्होंने पंजाब सरकार से संबंधित महकमे तो पिंड कानेवाला खोले शराब के ठेके इतों चुक के धार्मिक स्थान गऊशाला तो दूर किया। जब इस मामले संबंधी ईटीओ मानसा वरणदीप सिंह नाल गल की तो उन्होंने कहा कि इस संबंधी वह बरीकी नाल जांच करके कार्रवाई अमल च लियाउंगे। उत्थे गऊशाला सुबह जाके मान लो उत्थे सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, कम से कम इतों 15 पिंड चो भी हरियाणा चो भी 15-20 पिंड सेवादार आते हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। उन्होंने भी यही विचार आ, बहुत बार उन्होंने कहा मान लो जो मौजूद बंदे ने पिंड के उन्होंने कहते रहते हैं वह भी एक मान लो जो ठेका खुलिया वो बहुत गलत है। इसलिए असी बेनती करते हैं पंजाब सरकार नूं प्रशासन नूं भी जो गऊशाला के गेट दे के ठेका ये उस तो दूर उरे परे खुलना चाहिए, जिस करके आम लोगों सेवादारों बीबियों खास करके बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो असी नाल धन्नवाद करते हैं तुहाडे चैनल का जिन्होंने कि साडी आवाज़ आने वाले टाइम प्रशासन को पहुँचाओगे। मामला अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल नाल जुड़िया, जिथे कदे सरकारी नलके लोगों के मोबाइल से होर जरूरी वस्तां चोरी होने दी खबर मिलदी सन। उत्थे अज एक नवजम्मे बच्चे की हुई चोरी नूं लैके माहौल तनावपूर्ण बनिया होया, जिथे परिवार का रो रो के बुरा हाल है। उत्थे वाल्मीकि भाईचारे वालों इस दे तिखे शब्दों च निखेधी की जा रही। उन्होंने वालों थाना मजीठा रोड के बाहर प्रदर्शन करदे प्रशासन को चेतावनी दिंदे कहे कि जेकर पुलिस प्रशासन वालों जल्द नवजम्मे बच्चे के दोषियों को गिरफ्तार ना किया गया तो वाल्मीकि भाईचारा जल्द सड़कों से उतरेगा तो पुलिस प्रशासन ते पंजाब सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन करेगा। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों वालों टीमां तैयार कर इस संबंधी भजदौड़ की जा रही है ते जल्द दोषी पुलिस दी गिरफ्तारी करनी चोरियां करन ते थाने दी चौकी बाहर थाना बाहर दिता, लेकिन थाने ने की किया चोरियां नूं ठल नहीं पाई, लेकिन शर जरूर देती। अंदर जाके तुसीं देखिया, अंदर जाके तुसीं देखिया किन्ने कंफर्टेबिलिटी दे विच जिहड़ी लड़की नाल गल हो रही है, किन्ने कंफर्टेबल एनवायरमेंट दे विच उहनूं बिठाया जा रहा है। वह चीजा दस दी कि पंजाब सरकार की कितने मिली भुगत है जे पुलिस वाले ने मिली भुगत है, चोरिया होंदिया इलाज इतने नहीं होंगे, तुम देख लो कि किनिया लैना है। सबना ज्यादा मेडिकल स्टोर हले कि इतने सरकारी हॉस्पिटल इतने दवाइया फ्री है, टेस्ट फ्री है, लेकिन सबना ज्यादा मेडिकल स्टोर ये आले दुआले है। एक नैक्सिस चल रहा है कि अंदर पर्ची सिस्टम चल रहा है, पर्चिया खो के लिया मसला कुछ नहीं, जिहड़ी जनानी उत्थे आई सी मिलने वास्ते फोन मंगिया, बच्ची बेचारी पढ़दी है प्लस वन च, कहिंदी मेरे को फोन मंगिया, मैं मेरे को फोन है ही नहीं, मैं पानी लैन आई हाँ, ओरी उरे सिस्टर उठे हॉस्पिटल दा ओदे बच्चा होया ते ओ लगे हेल्प करन वास्ते आई। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੋ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕਢਾ ਕਢੂ ਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
नंगर रेलवे रोड की नवी बंड ही इमारत लैके घसमान उदो वध गया जो नगर कौंसल की टीम से पंजाब पुलिस ने नवी बन रही इमारत के काम रोक लिया। नगर कौंसल के अधिकारियों वालों नवी बन रही इमारत के मालक न गल करदे कहा कि तुहाड़ी इमारत नजायज उसारी अधीन है, इस करके इस इमारत के काम रोक दिया जाए, अजिहा ना होने बनती कार्रवाई होगी। रेलवे रोड लंगल में बना इमारत के मालक ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने कोल है, इसकी उसारी वास्ते उस को नगर कौंसल नंगल वालों नक्शा पास करा के इस इमारत की उसारी का काम शुरू किया गया। पर पिछले कई दिनों तो नगर कौंसल नंगल के अधिकारी उसनों तंग परेशान कर रहे हैं, इमारत की उसारी का काम रोकने लिए कह रहे हैं। फिरोजपुर के पिंड हजारा सिंह वाला दे विच जमीनी विवाद के चलद गुंडागर्दी करन दा मामला सामने आया है। इस संबंधी जानकारी देंदे पिंड दविंदर सिंह दे परिवारक मैंबर ने दस्सिया कि पिंड हजारा सिंह वाला च उन्हां दी जमीन है, जिसते जगीर सिंह जो अपने आप नूं आम आदमी पार्टी का प्रधान दसदा उसने कब्जा किया होया, जिस संबंधी कई बार पंचायत में गलबात हो चुकी है। इस रंजिश नूं लैके कई बार उन्होंने लड़के दविंदर की कुटमार भी कर चुके हैं, जिस तों परेशान होकर शहर अपने सहुरे घर रहन लगे, पर फिर भी लोग उसका पिछा नहीं छड़े। तो बीते दिन जदों वह काम लई खाई फेमेकी विखे जा रहा था, रस्ते में जोगिंदर सिंह ने अपना मोटरसाइकिल उसके मोटरसाइकिल के अगे ला के खड़ा किया, नाल ही पिछे एक कार आके खड़ी, जिस विच दो औरतों समेत चार पांच व्यक्ति सवार सन, जिन्हों के हाथों कापे ते कही दे दस्ते फड़े हुए सन, जिन्होंने उन्होंने तेजधार हथियारों नाल हमला कर दिया। उन्होंने रौला पाया तो उत्थे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, जिन्होंने देख के लोग उतों फरार हो गए। तो इसके बाद उसनों काफ़ी सट्टा लगियां, जिस तों बाद उसनों सिविल हस्पताल भर्ती करवाया गया। उन्होंने मांग की है कि दोषियों खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। जो इस पास इस मामले में लैके पुलिस नाल गल की है कि पीड़ित परिवार के बयान से जोगिंदर सिंह ते उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई की जाए। बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट के बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अधीन चल रहे स्कूल हस्पताल संगीत अकैडमिया तो बाद जिथे बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वालों राम तीर्थ रोड से संगतों लिए लंगर की सेवा संबंधी वैन चलाई जाती सी, हुण उत्थे एक लंगर घर की इमारत जो कि बीते कुछ महीनों तो तैयार की जा रही थी दा उद्घाटन बाबा जी की अपार कृपा सदका पाइया मनदीप सिंह वालों संगतों की हाजिरी च किया गया। इस मौके कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विशेष तौर पर पहुंचदिया बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के इस उपराले की शलाघा की। बाबा दीप सिंह जी हेल्थ केयर जिहड़ा चैरिटेबल होस्पिटल है, जिहड़ा भाई साहब वालों सरदार अकबाल सिंह जी वालों चलाया जा रहा है, ये सर देख के मन खुश हो। देखो जिहड़ा धरती दे उत्ते पाप भी बड़ा हो रहा, पर पुन भी बड़ा, बहुत लोग इदां दे आ धरती दे उत्ते जिहड़ा बड़ा चंगा ते पुन दा काम करते, और जिहड़ा असी रसोई का लंगर का उद्घाटन किया ड्राइव थ्रू, ये इन्हों का जिहड़ा आइडिया है ये बहुत जबरदस्त है। और दूजा जिहड़ा इन्होंने मैनूं दस्सिया कि अज दे युग दे विच जदों आपां कहिंदे कि आपां 21वीं सदी च शामिल हो गए हैं, दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, अज इस युग दे विच कुछ लोग धरती ते इदां दे आ जिहड़े अपने माँ बाप नूं बजुर्ग माँ बाप नूं धक्के मार के घरों कढ दिंदे, और ये लोग ये संस्था जिहड़ी आ उन्हां नूं घर घर जा के टिफिन च बंद राशन जिहड़ा वो दे के आउंदे। मैं समझदा कि इहदों वड्डा होर कोई पुन वाला काम नहीं हो सकता। होस्पिटल चलाउणा तां होर भी इक समझो कि बहुत वड्डा काम है, पर जिहड़ा इन्हां दा लंगर दा स्टाइल है लोड़वंदा लई लंगर, इस चीज़ नूं मुख रख के जो ये लंगर की सेवा शुरू की गई, बाबा नानक जी ने जो पूरना पाया सी 20 रुपए तो शुरुआत करके लंगर का, उस मिशन नूं लैके ये सेवा शुरू हुई सी ते सेवा तो चल रही सी। पर पहले ये जगह सिर्फ असी दीवारां करके शैड पाया सी, बारिश दे विच काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती सी, ते हुण महाराज ने कृपा की जो संगतां किनका किनका सहयोग देंदियां ने उस सहयोग का सदका ये हुण इमारत पक्की बन के तैयार हुई है। ये भी उस तरह क्योंकि जो इमारत बन रही थी तकरीबन 4-5 महीने लग गए, उस दौरान भी लंगर बंद नहीं होया, वो लंगर गुरु बाबा नानक जी की जिहड़ी गड्डी बनाई चलती फिरदी रसोई उहदे विच चलदा रहा, ते हुण ये इमारत बन के तैयार हो गई। हुण इहदे राहीं फिर लोड़वंद जो लाहा लै सकणगे, राम तीर्थ रोड तो गुजरन वालियां संगतां जां कोई भी प्रेमी है इत्थों लाहा प्राप्त कर सकेगा, जो उन्हां नूं प्रशादे पाणी की सहूलत मिलिया करेगी। हुण नज़र मारदे हां जदे मौसम दे हाल दे वल।
ਨਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।